नमस्कार। इस समय हम पाटोदा गांव में हैं और श्रीनिवास जो कि सरपंच पद के दमदार उम्मीदवार है, दमदार इसलिए कह रहे हैं कि इनकी राजनीतिक छवि तो नहीं थी, लेकिन समाज सेवक के तौर पर ये लगातार लोगों के बीच रहे, लगातार काम कराने का प्रयास किया, अथक प्रयास किया। उसके बाद राजनीति में आने का कारण क्या है, इन सब बातों पर उनसे बात करेंगे। श्रीनिवास जी, राजनीति में आने का कारण क्या था? वैसे तो आप समाज सेवा में लगातार करते रहे, लगातार आपने समाज सेवा की, लेकिन राजनीति में आने का या सरपंच पद का इलेक्शन लड़ने के बारे में क्यों सोचा? देखिए, सबसे पहले तो मैं एसटीवी हरियाणा न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मेरे पास मेरी विचारों को व्यक्त करने के लिए मदद की है। मैं किसी राजनीतिक उसे परिवेश से नहीं हूँ, ना कभी मैं राजनीति में पढ़ना चाहूँ, क्योंकि मैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस से नौकरी से रिटायर हुआ था। मैंने जब गांव में आया, देखा, मेरा बहुत बड़ा गांव है और इसमें हर साल, हर 5 साल के बाद एक पंचायत भी इलेक्ट होती है, काम भी होते हैं, अपने लेवल पर करता है हर सरपंच। लेकिन जैसे मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूँ, इतने बड़े गांव में जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। इसलिए मैं सोचा, हो सकता है अगर गांव मेरा साथ दे तो जैसा मैंने बाहर देखा है मैं वैसा करने की कोशिश करूँ, क्योंकि जिसमें 4 मुद्दे मेन होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, हाइजन, सैनिटेशन और रोजगार। तो गांव के लेवल पे जितना मेरे से बन पाएगा, मैं इन चारों पे अपना पूरा पूरा इन चारों कामों को धरातल पे आपने लाऊंगा। मुद्दों की बात करी कि चार अहम मुद्दे हो जी जाते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहती है? क्योंकि अगर शिक्षित अगर समाज जी होगा जी जी तो जाहिर सी बात है, नाली अपने आप बना लेगा, जी गली वो अपने आप जी बना जी जी लेगा, जी वो अलग चीजें बना लेगा, बिल्कुल लेकिन लोग नाली गली के मुद्दों पर ही शायद राजनीति कहीं ना कहीं घूमती बिल्कुल, रहती है। मुख्य है शिक्षा। आप एजुकेटेड हैं तभी शायद इस बारे में बदलाव के बारे में सोचा। शिक्षा को लेकर जी क्या ऐसे फैसले होंगे जो श्रीनिवास करेंगे और जो जनता को ये बता पाएंगे कि अगर इसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो बेहतर होगा? देखिए, आज हमारा जो शिक्षा का है ना, निजीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसमें गरीब बच्चे को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले हमारे यहाँ गांव में जो स्कूल था, इस इलाके का बहुत पुराना हाई स्कूल था, वो अभी मॉडल सांस्कृतिक स्कूल सेंक्शन हो गया, अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसमें सबसे पहले तो गांव के लोगों को मोटिवेट करना मेरा ड्यूटी है भी, उनको आप यहाँ लाइए, स्टाफ जितना मेरे से हो सकेगा मैं सरकार से मिलके। जनाब, आप बात प्राइवेट की बात करें, स्टेटस सिंबल है लोगों का, तो वो प्राइवेट में पढ़ाते नहीं हैं, नहीं तो उनको कैसे मोटिवेट देखिए, करेंगे? अगर हमारे पास अच्छा भवन होगा, अच्छे अध्यापक होंगे, और हम बार जो गांव के जो शिक्षित लोग हैं, मेरे युवा साथी विशेषकर, उनका एक संगठन बनाएंगे, उसको मॉनिटर करेंगे, शिक्षा को उच्च दर्जे का हर बनाने की हर कोशिश गांव करेंगे। की बात करें या हर देश की, कहीं भी किसी की बात करें, जी प्राइवेट में पढ़ना होगा लेकिन जी नौकरी सरकारी होगी, हाँ, इस मानसिकता को किस तरह बदलाव करेंगे? देखिए, हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं प्राइवेट में, लेकिन अपने बच्चे को प्राइवेट में सर्विस करने के लिए नहीं बोल वही तो भेजते। मैं कह रहा हम हूँ, कहेंगे तू एमबीबीएस कर, चाहे कर प्राइवेट से, जाएगा वो एम्स में। लेकिन बन सरकारी। इवन एक बस का कंडक्टर भी बनना पसंद करेगा, कंपनी में मैनेजर बनना कम पसंद करता है। तो सरकारी, जो सरकार के पैसों से हमें बहुत कम पैसे में हर उपलब्धि होती है, उसकी तरफ ध्यान दिलाएंगे। शिक्षा के लिए मेरी कोशिश होगी, गांव में वेटरनरी कॉलेज लाऊंगा, स्कूल की व्यवस्था अच्छी दुरुस्त कराऊंगा, और जो गरीब से गरीब का बच्चा, वो क्योंकि हर एक आदमी स्टेटस सिंबल नहीं बना सकता है, गरीब का बच्चा जब अच्छी शिक्षा पाएगा तो अपने आप अपना भविष्य सुधारेगा। इस पे मेरा ज्यादा जोर होगा शिक्षा के उसमें। दूसरा किसानों की बात कर लेते हैं, जी क्योंकि जाहिर सी बात है हम गांव जी के जी इलेक्शन जी फाइट जी कर जी रहे हैं जी और इंद्रदेव बड़े मेहरबान रहे बिल्कुल और लगातार पानी जल भराव आपके जी गांव में भी होगा, जी ये कॉमन सी समस्याएं हैं। जी किसान भी आप लोगों से जुड़े होंगे, जी किसान परिवार से भी आप हैं, बिल्कुल किसानों को लेकर क्या रणनीति होगी? क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं जल भराव की समस्या रहती है। अगर बात की जाए, खाद बीज नहीं होते जी हैं, जी बिजाई का समय आ जाता है, जी अब अगर बात की जाए कि बाजरा पड़ा है मंडियों में, जी उसको लेकर क्या रणनीति रहेगी साहब? देखिए, हमारे गांव में, बहुत बड़ा गांव है, मैंने पहले बताया है, और क्षेत्र में ये मैक्सिमम किसानों का क्षेत्र है। मेरा जहां तक संभव होगा, हम यहाँ पे अनाज मंडी का प्रबंध करेंगे, ताकि लोगों को बाहर ना जाना पड़े, अपनी फसल का मूल्य यहीं ले लें। दूसरे, जो जल भराव की आपने बात की है, जल भराव का जितना हो सकेगा हम निवारण करेंगे, और गांव में भी, जो अभी आपने देखा होगा गांव का भ्रमण करके, पानी की नालियों का बहुत इतना अच्छा व्यवस्था नहीं है। क्यों? हमारे यहाँ पानी का, जो गंदे पानी का कहीं निकास नहीं है, इसका भी करेंगे हम। तो जितना भी मेरे से संभव होगा, सरकार से ग्रांट लाऊंगा, सरकार को अपनी तरफ से मोटिवेट करके और गांव के विकास दो अहम मुद्दे होते हैं जब राजनीति में जो भी कदम रखता है, के। कि महिला सशक्तिकरण की बात करेगा ही करेगा, जी दूसरा बात है कि आप दलितों के बारे में बात जी करेंगे, जी लेकिन दोनों आज भी वही की वही हैं।
अगर सरकारों की बात करें तो महिला सशक्तिकरण के लिए इतने कानून बना दिए गए हैं, इस तरह की बता दी गए, दलितों के लिए ये कर दिया गया है, जी सिर्फ कागजों पर रहता है, जमीन देखिए पर किस तरह उतारेंगे, पाटोदा में किस तरह उतारेंगे? देखिए, मेरा बड़ा अहोभाग्य है मेरा और मेरे गांव का। जिस तरह की मैं घटनाएं दलितों के बारे में बाहर सुनता हूं, मेरे गांव में ऐसी नहीं है। घटना की बात नहीं करें सर, सुनिए, उनके विकास की बात हाँ करें ना सुनिए, हम। मेरे गांव के जो खासकर दलित बच्चे हैं अच्छा शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनको अच्छा, लेकिन जो गरीब तबका है जो शिक्षित नहीं है उनको भी मेरी व्यवस्था रहेगी, मनरेगा हुआ, और यहाँ पे गवर्नमेंट से मिलके एक ऐसा परिवेश बनाऊंगा मैं कारखाने का या इस तरह का, ताकि उन बच्चों को यहाँ रोजगार मिले। जब रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, अपने आप विकास बादली होगा। कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठे हैं, जी बहुत ज्यादा वेयर हाउसेज हैं, कंपनियां हैं, जी क्या उन लोगों के लिए कैसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि गांव में से 20-30 जो गरीब तबका है जैसा जी आप बता रहे हैं, जी जी उनका प्राइवेट कहीं जॉब कर दिया जाए ताकि उनका जो भरण पोषण है वो जी अच्छे से कराया जाए, जी उसकी तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? सरपंच आते हैं कि जब सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी तो हर व्यक्ति को नहीं मिल पाती, जब आपके गाँव में, अपने शहर में, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में नई नई कंपनियां हैं तो उनमें आप जाएं, उनको बताएं कि सब हमारे बच्चे हैं, वो कैपेबल हैं, उनके लिए बिल्कुल रोजगार क्यों नहीं कराते बिल्कुल, हैं? ये जब हम बाहर घूमे हमें पता है किस कंपनी से, किस एचआर से, किससे क्या बात करनी है। हम अपने गांव के जितने बच्चे जो जाते हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे, उनसे मिलेंगे। वेयर हाउसेज हैं, और मैंने आपको बताया कोई ना कोई मैं अच्छी प्लांट यहाँ गवर्नमेंट से मिलके भी लेके आऊंगा, ताकि बच्चों को यहाँ रोजगार मिले। एक बात हम पूछें कि और भी खड़े होंगे आपके प्रतिनिधि, ऐसा आप में क्या है कि भाई पाटोदा आप ही को जिताएं और उनको ये लगे कि भाई उज्जवल भविष्य श्रीनिवास के हाथ में है, ऐसा कुछ अलग डिफरेंट, क्योंकि वो भी लोग बता रहे होंगे जी गलियां बना देंगे, जी हम ये कर देंगे, आप ऐसा क्या भिन्न करेंगे कि जो पाटोदा वालों को लगे कि यहाँ पर उज्जवल भविष्य 5 साल के लिए हम बिल्कुल सेफ हैं? मैंने पहले आपको कहा था जो भी सरपंच आता है अपने लेवल का काम करता है, गलियां लगभग हर बार बनती है, हर बार टूटती है, ये कोई विकास में शामिल नहीं है। विकास शामिल है, मैंने जो आपको 4 मुद्दे बताए, सबसे पहले शिक्षा। शिक्षा के लिए मेरी कोशिश होगी वेटनरी कॉलेज की, ये स्कूल बन जाएगा, बच्चों को मोटिवेट करूंगा, अच्छा स्टाफ लाऊंगा, अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश करूंगा। स्वास्थ्य के बारे में, मेरे यहाँ इतने बड़े गांव में PHC, वो भी अब बहुत दिन पहले नहीं खुला है, थोड़ा समय पहले खुला, उसको मैं CHC बनाने की कोशिश करूंगा। रोजगार का मैंने आपको बता दिया है, जहां तक संभव होगा मैं ये इस तरह की कोशिश करूंगा। और स्वास्थ्य और जो आपकी सफाई की, हाइजन सैनिटेशन की, अभी गांव में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, कागज में है लेकिन ग्राउंड में नहीं है, इसको बिल्कुल दुरुस्त करूँ, क्योंकि बीमारी का घर है। जैसे अनचाहे कूड़ा है उनका व्यवस्था कराएंगे, हाथ जोड़ेंगे गांव से, समझाएंगे, क्योंकि रोड किसान। लाइट है, रोड लाइट देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये कि किसी भी खंभे पर आप देखना पूरे गांव में कोई लाइट वही तो नहीं मैंने लगी हुई, पूछा। नहीं है, इसकी व्यवस्था करेंगे हम। मिलेंगे SDO है हमारी जो बिजली विभाग की, उनसे पर्सनली क्या मिलेंगे। महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित घूम सके, उनके लिए कोई सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था होगी कि ताकि गांव के कुछ ऐसे पॉइंट है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाए देखिए ताकि क्राइम को बढ़ावा ना मिले, क्योंकि जाहिर सी बात है गाय भैंस जिनके घर पे होती देखिए है वो चोरी हो जाती है, 1-1 लाख रुपए की भैंस होती है, उन पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा जनाब। देखिए, जो CCTV की बात आपने की है, मैंने कई गांव में देखा है, खासकर गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के गांव में, उनमें CCTV हर चौक पे लगे हुए हैं। बहुत जरूरी चीज है आज के युग में, क्यों? पहले बूढ़े लोग एक जगह बैठते थे रात को 11 बजे तक, वो एक किस्म का चौकीदारा करते थे। अब हर आदमी एकल परिवार में अपना दरवाजा बंद कर भीतर सो जाता, बाहर क्या हो रहा किसी को पता नहीं होता। CCTV की, अगर CCTV कैमरेज की व्यवस्था हम करते हैं तो गांव के लिए सोने पे सुहागा होगा, और मैं कोशिश करूँगा। लोगों को क्या ऐसा संदेश देंगे, क्या चीजें रहेगी कि आप पाटोदा निवासियों को बताएंगे कि एक अपील क्या जी करना जी चाहेंगे? जी मैं पाटोदा गांव के सभी निवासियों से विनम्र निवेदन यह करता हूँ कि अगर गांव मुझे इस बार मौका देता है तो मैं उनकी जितनी भी आशाएं हैं उन पे 100% खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और गांव की 36 बिरादरी की, जैसे मेरे पिता के विचार थे, उनसे बिल्कुल मेल खाऊंगा और गांव की सेवा एक करूंगा। एक लाइन और जोड़ दीजिए कि एक जी राजनेता के तौर पे नहीं, नहीं एक आम आदमी के तौर पर, बिल्कुल, ये सबको पता भी है, फिर मैं भी पॉलिटिशियन नहीं हूं और ना मेरे पिता ही पॉलिटिशियन थे। मैं एक राजनेता नहीं बनना चाहता, मैं गांव का सेवक बनना चाहता हूं।
और एक ही चांस मुझे चाहिए, मुझे बार बार भी सरपंच बनना भी नहीं है क्योंकि मेरी उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है। एक उसमें कर देंगे योजना में। हाँ अगर बने, बन गए तो सरपंच के आधार पे करूंगा, नहीं बने तो एक नागरिक के आधार पे। मैं गांव के जब आप बिल्कुल सरपंच बन जाएंगे तो सेकंड इंटरव्यू 6 महीने के बाद मैं लूंगा, गांव में आज के हालात और उस हालात पर जरूर चर्चा करेंगे। बिल्कुल बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला। थैंक यू।